नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। भर्ती के नाम पर वसूली जिला पंचायत रीवा में विज्ञापन कभी भी डिस्पैच नहीं हुआ। वर्तमान सीओ का दावा ना तो सिग्नेचर मेरे ना ही मेरे पूर्व के अधिकारी के पीड़ित लोग पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराए। रीवा जिला पंचायत में 18 अक्टूबर 2018 को भर्ती को लेकर एक विज्ञापन जारी हुआ था। वह विज्ञापन कभी भी कहीं प्रकाशित नहीं हुआ। यही नहीं, कुछ लोगों ने उस विज्ञापन के नाम पर जमकर वसूली कर डाली। जब काफी अरसा बीतने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला तब हंगामा मचा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में वर्तमान जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े ने साफ तौर से कहा, हमको जानकारी मिली है, हमने अपने पूर्व यहाँ पर पदस्थ सीओ मयंक अग्रवाल के सिग्नेचर का भी मिलान कर लिया है। सिग्नेचर उनके भी नहीं, मेरे भी नहीं। इसका सीधा सा मतलब है ये सिग्नेचर फर्जी हैं। जिन्होंने भी पैसे दिए थे नियुक्ति के नाम पर, उनको तत्काल ही पुलिस के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। अगर उनको जिला पंचायत से किसी भी तरीके के कागज चाहिए, मदद की जरूरत है, तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े ने क्या कुछ कहा। उनका साफ तौर से कहना था ये सारे कागजात नकली हैं। सबसे पहले उन्होंने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया है, जिला पंचायत के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें विज्ञापन में जो तारीख मुझे दिख रही है वो 18-10-2018 की दिख रही है। 18-10-2018 को यहाँ मयंक अग्रवाल सर पोस्टेड थे, लेकिन जब उनका सिग्नेचर चेक कराया गया तो 18-10-2018 के जो सिग्नेचर है वो मयंक अग्रवाल सर के नहीं लग रहे हैं, वो किसी और के सिग्नेचर लग रहे हैं। तो ये पहले चेक करना पड़ेगा कि ये सिग्नेचर है किसके। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फर्जी सिग्नेचर है, क्योंकि हमारे पास डिस्पैच रजिस्टर है। डिस्पैच रजिस्टर में हमने 18-10-2018 का रजिस्टर लिया है और 18-10-2020 का भी है। मैं जब आया जून 2020 में मैं आया हूँ, और 2020 के बाद अगर ये ऑर्डर जारी हुआ है तो उसमें मेरे सिग्नेचर नहीं है। वो ये 18-10-2020 का होगा तो वो मेरे सिग्नेचर नहीं है। और 18-10-2020 को संडे था, संडे के दिन डिस्पैच रजिस्टर में कोई भी डिस्पैच नहीं है जैसा कि वो पत्र में लिखा है। इसका मतलब वो 100% फर्जी है। अगर 18-10-2018 को वो जारी हुआ है तो उसमें मयंक सर के रजिस्टर साइन होना चाहिए, तो मयंक सर के भी साइन उसमें नहीं है। हम ये लोग चेक करेंगे कि अगर 18-10-2018 में जिला पंचायत से ऐसा कोई ऑर्डर होता है तो संबंधित जो सीईओ जिला पंचायत थे उनसे उनके बारे में चर्चा उनसे पूछ लिया जाएगा कि आपके समय में ऐसा कोई जारी हुआ है क्या। ये पहली बात थी। दूसरी बात कि जो जो भी विज्ञापन जारी करके जो फर्जी तरीके से पैसे लेने का मामला सामने आया है, ये 2 दिन पहले मुझे एक जन ने शिकायत भेजी थी, हमने तभी से इसकी छानबीन शुरू की थी। इसीलिए हमने ये डिस्पैच रजिस्टर पहले से ही निकाल के रखे थे। इसके फोटो हम मीडिया के साथ शेयर कर लेंगे। मेरा इसमें कहना है कि मैं सबसे पहले जिन जिन का ये आरोप है कि पैसे लिए थे, मैं उनसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सीधा FIR जारी कराएं, और FIR जारी करने में मैं खुद आपकी मदद करूंगा, और जो हमसे लिखित में चाहिए वो हम लिखित देंगे। जैसा भी लिखित में चाहिए, जो नियमानुसार चाहिए वो लिखित में देंगे, लेकिन कृपया आप FIR ज़रूर कराएं, क्योंकि FIR कराने के बाद ही आगे हम कार्रवाई कर पाएंगे। तीसरा मेरा ये कहना है कि ये जो अगर फर्जी जारी हुआ है तो फर्जी जारी होने के बाद किसने जारी किया है, इसके लिए इसमें ज़्यादा शायद समय नहीं लगेगा। हम पुलिस को ये भी हमारे तरफ से जिला पंचायत की तरफ से कि जो ऑर्डर अगर फर्जी जारी हुआ है तो उसके लिए भी हम FIR कराएंगे जिला पंचायत की तरफ से कि ये फर्जी जारी हुआ है, और जो जो भी संबंधित हमें डाउट लग रहा है कि जिन पे ये जारी हो सकता है उनका भी नाम हम पुलिस को ज़रूर देंगे। रही बात कि जो राशि लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसके बारे में मैं ये ज़रूर नहीं कर सकता, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि अगर FIR कराते हैं तो हम पुलिस को पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे संबंधित है, वो सब हम दे देंगे। जांच इसमें, क्योंकि हमने डिस्पैच रजिस्टर चेक कराया गया, इसमें तो कोई डिस्पैच जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर जिला पंचायत से कोई ना कोई व्यक्ति था, एक राहुल जिनका नाम BK माला जी ने लिया है, वो कल ही मेरे पास जानकारी आई थी, मैंने उनसे संपर्क भी किया, तो उनको पहले ही जिला पंचायत से हमने कल ही हटा दिया था और उनके ऊपर भी हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है। लेकिन हमारे पास जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आएंगे तब तक हम उनको डिसमिस तो सर्विस से नहीं कर सकते, सस्पेंड जरूर कर सकते हैं। सस्पेंड करके हम उनके ऊपर जांच तो जरूर बिठाएंगे।
दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।